डिप्रेशन के एक केस स्टडी के बारे में फिर से आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। एक युवक मेरे पास में आ गया, करीब करीब उम्र 30-32 साल की होंगी। कंप्लेंट यह है कि मुझे दिन में कभी कभी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, अच्छा लगता नहीं है और गमता नहीं। वो हमारे मराठी में बोलते रहते कर्मत नहीं, गमता नहीं है। और बहुत ही खास लक्षण है गमता नहीं या कर्मत नहीं। वो कभी कभी अनइजीनेस के रूप में होता है, कभी कभी घबराहट, गमता नहीं है, एक जगह ऐसी बैठने की इच्छा नहीं होती और कुछ भी चीज़ में एंजॉय नहीं कर सकता। नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, उदासीनता है, रोना आता है। और वो कभी कभी होता है, फिर मैं बोलता है कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर कॉफ़ी पीने की मुझे आदत लग गई तो बोले मैं कॉफ़ी पीता हूँ तो उससे ज़रा स्टिमुलेशन मिलता है तो फिर उससे अच्छा लगता है। फिर कभी कुछ अच्छे अच्छे गाने सुन लेता हूँ तो उससे अच्छा लगता है, मगर वो सब टेम्पररी है। और परमानेंट मुझे इलाज बताओ क्या करना है। तो और मुझे समझ में नहीं आता, मैं कुछ भी चीज़ एंजॉय नहीं कर सकता। तो मैंने उसको पूछा, भाई आपको प्रॉब्लम क्या है? बोले मुझे सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है, वो मतलब एंजॉयमेंट नहीं है। मैं कुछ भी चीज़ एंजॉय नहीं कर सकता, ना मैं घर में बच्चों के साथ में एंजॉय कर रहा हूँ, ना खाना खाना एंजॉय कर रहा हूँ, सब इसमें ऐसा नीरस हो गया है। खाना, अच्छा अच्छा खाना जो मुझे अच्छा लगता था वो सामने आता है और मुँह में जबान में मतलब मुँह में डालता हूँ, जबान को वो अच्छा लगता नहीं, ऐसा लगता है कि उसको कोई टेस्ट ही नहीं है। भूख कम हो गई है, खाना पीना ठीक नहीं है। ऑफिस में जाता हूँ तो ऑफिस में फिर बॉस जो बोलते हैं कि भाई ये करो वो करो तो ऐसा लगता है कि अभी मैंने ऑफिस में जाना ही नहीं है। डर लगता है वहाँ जाने के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काम नहीं अच्छा कर सकूँगा। और फिर छुट्टी लेकर घर में बैठा हूँ, बहुत डर लगता है, इतनी घबराहट। अभी अभी तुम्हें भाई बताइए कैसे क्या, मतलब यहाँ मेरे पास में कैसे आके? बोले अभी हम ट्रांसफ़र होके अकोला में आए और कोई बैंक में मैनेजर करके काम कर रहा है, यंग है और अच्छी पोस्ट पे है, बैंक सिलेक्शन में सिलेक्ट हुआ ऑफिसर करके। और अभी शादी भी अभी रिसेंटली हुई 2 साल पहले और अभी उसको ये सब प्रॉब्लम है। बोले सब लोग बोलते कि नए साहब हमारे यहाँ आ गए और उनको अभी ये प्रॉब्लम है और काम नहीं कर रहे। साहब तो बड़े हैं, नाम तो बहुत सुना था और यहाँ आने के बाद एकदम ढुस हो गए, कुछ भी काम नहीं कर पाए। उसको सब तपास लिया, कुछ फिजिकली ऑब्वियसली कुछ नहीं था। बोले ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये डिप्रेशन की बीमारी है। आपके घर में था क्या किसको? बोले हाँ, पिताजी को था, पिताजी के पिताजी को था, अंकल को था डिप्रेशन। तो मुझे लगा कि अनुवंशिकता है, मतलब लाइक जेनेटिक है क्या? तो हो सकता है कि क्योंकि डिप्रेशन जेनेटिक भी काफ़ी होता है, मतलब उसमें जीन्स में कोई आता है, हेरिडिटी होता है कि अनुवंशिकता आती है और फिर वंश में चलता है डिप्रेशन। तो वो भी हो सकता है कि एक तो हेरिडिटी प्रॉब्लम है, जीन्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ेगा, मगर इसको इलाज है। तो मैंने बोला कि आपको आपके जो हार्मोनल चेंजेस, जो केमिकल जो चाहे जो दिमाग में हो रहा है उसकी वजह से यह सब हो रहा है, मैं आपको दवाई देता हूँ। दवाई उसको एंटी डिप्रेसेंट दिया। एंटी डिप्रेसेंट देने के बाद में वो तो है कि तुरंत 2 दिन बाद में आप लोग कुछ फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं। देखो एंटी डिप्रेसेंट दवाई जो है उसका फर्क अपने को दिखने में 15-20 दिन लग जाते हैं। तब तक आपको अच्छी नींद भी आ रही है? बोले हाँ आ रही है। घबराहट कम हो गई? बोले हाँ घबराहट कम हो गई। बोला फिर आप दवा कम से कम 3 हफ्ते लो, आपको 3 हफ्ते के बाद में डिप्रेशन में अच्छा महसूस होने लगेगा। दवाई लेना चालू रखो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है तो छुट्टी लो, आराम करो, घर में बैठो, शांति से बैठो घर में, मगर धीरे 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 जो हार्मोनल चेंजेस है, दिमाग के जो केमिकल्स है, वो ठीक हो जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। बोले ठीक है, बहुत अच्छा है। 21 दिन बाद में वो मेरे पास में आया, बोले अभी मेरे को 50% फ़र्क है। मतलब अभी हम साइकोथेरेपी करते हैं। फिर हमने उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और हिप्नोसिस दोनों भी मैंने उसको वो तरह से इलाज करना चालू किया। और एक हफ्ते 10 दिन बाद में उसके बाद मतलब 1 महीने में करीब करीब 90% वो ठीक हो गया। बोले अभी मैं काम कर सकता हूँ। तो ये डिप्रेशन जो है उसको भी मैंने बोला कि ये फिर से आ सकता है। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए देखो कि अर्लीस्ट साइन क्या है। तो भाई एकदम पहली कि जहाँ हम खुद को पकड़ सकेंगे और दवाई चालू करेंगे, क्योंकि दवाई से ठीक हो गया है, साइकोथेरेपी से ठीक हो गया, तो हमको अभी पहले स्टेज में पकड़ने का है इसको। बोले वो क्या है? मतलब भाई नींद नहीं आना, यह सबसे पहली स्टेज हो सकती है कि नींद डिस्टर्ब हो जाना। और दूसरा है कि थोड़ा सा काम में मन नहीं लगना, ऐसा नीरस लगना, विचार ऐसे स्टॉप हो गए या ऐसा ब्लॉक हो गया या जल्दी जल्दी विचार नहीं सूझ रहे, ऐसा लगना। तो उसमें आपको ऐसा मालूम पड़ा तो पकड़ो, सामने लिख के रखो दीवार के ऊपर कि भाई ये सिम्टम दिखाई देते हैं मुझे, तो ये मैंने पकड़ना खुद को चाहिए, ये डिप्रेशन है। घर वालों को बता दो ताकि हमको इतने दिन आपने जो अभी 2-3 महीने इसमें गंवा दिए
वो गमाने का कार्यक्रम होगा नहीं। आप तुरंत दवा चालू करेंगे तो तुरंत फायदा हो जाएगा। प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। बोले मुझे जिंदगी में ऐसा बार बार होता जाएगा क्या, मतलब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मगर आपको खुद को तुरंत पकड़ने का है, डिप्रेशन को पकड़ने का है और तुरंत दवाई चालू करने की, ये देखो और देखो आपको क्या हो सकता है। फिर मैंने उसको ये भी बोला साइकोथेरेपी में कि देखो डिप्रेशन जो है वो आपको केमिकल चेंजेस से हो रहा है, ठीक है, मगर अभी कॉन्वर्जेशन भी आप यदि पॉजिटिव रखते हो, पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, स्वसम्मोहन, आत्म सुझाव, स्वयं सूचना देना, यदि आप रोज करते हो तो डिप्रेशन आने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये आप जरूर करो, ऐसा उनको मैंने बता दिया। तो ये डिप्रेशन का है, काफ़ी लोगों को डिप्रेशन है, कम से कम 10-15% लोगों को डिप्रेशन अभी आज के दिन है। और अभी नए नए आंकड़े जो है उससे वो मुताबिक, नए आंकड़ों के मुताबिक 25% लोगों को डिप्रेशन है, क्योंकि अभी होता क्या है कि वो डिप्रेशन एंग्जाइटी के साथ में मिक्स हुआ है, इतना टेंशन लोगों को है, मारा मारी चल रही है, कॉम्पिटिशन है, बिजनेस में धंधे पानी ठीक नहीं है, जो कन्वेंशनल मार्केट है वहाँ मारा मारी है, तो उसमें लोगों को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपसी जो है मतभेद काफ़ी हो रहे हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इसके वजह से आपसी संबंध जो है, एक घर में रहने के बावजूद भी आपसी संबंध ठीक नहीं है। अमेरिका में किसको बुखार आ गया मेरे दोस्त को तो मुझे मालूम होता है यहाँ, मगर घर में किसको बुखार आ गया तो मुझे मालूम होता नहीं, क्योंकि उसने अपना स्टेटस डाला नहीं है या उसने शेयर किया नहीं व्हाट्सएप के ऊपर। तो यहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि लोगों के साथ में हम कैसे मिले जुले, रिलेशनशिप कैसी अच्छी रखे, खुद को अकेला अकेला नहीं रखना है, लोगों के साथ में हरदम पॉजिटिव थिंकिंग और हरदम अपना वे ऑफ बीइंग जो है वो कंट्रीब्यूशन का रखते हैं, हरदम बीइंग कंट्रीब्यूशन, खुद का होना, तो डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच।